फरीदाबाद के सैदपुर गांव में सेक्टर 37 और आइए अभी यहां पर एक हमको हाल ही में मामला जो है सामने आया है, जो ये बिजली का ट्रांसफार्मर देख रहे हैं। यहां पर एक आदमी जो है सुबह से ही काम चल रहा था, वो जो है यहां पर उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है, वो जल गया है और उसका जो सामान जो है यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं वो पड़ा हुआ है, उसी हालत में पड़ा हुआ है। बहुत ही भरपत्ता से वो जो है उसकी जान आज गई है, उसके चलते यहाँ पे आप भीड़ भी देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ कितने मौजूद हैं। पहले तो आप सब अपने मास्क लगा लें, सारे मास्क लगा लें। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पर मौका वारदात पर कौन कौन मौजूद था। फरीदाबाद से ये क्या हुआ था यहाँ पर? काम कर रहा था बंदा, सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ का जो ठेकेदार है, जब उसको काम करवाना है बंदे से, लेबर से काम करवा रहा है, तो बिजली विभाग बिजली घर में उसको वो देना चाहिए कि इस लाइन पे हमारा काम हो रहा है और लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। वहाँ से लाइन छोड़वा के टेस्ट कर रहा था बंदे को ऊपर चढ़ा, और अब ये मानने का काम नहीं है पब्लिक को। ये देखिए, इधर देखिए, लाइन पे ऊपर तार जुड़ा हुआ है और भाग गए यहाँ से छोड़ के। अब लाइन दोबारा आ जाए तो कितने पब्लिक और कितने इसमें सटना नहीं, इसमें सटिएगा नहीं, इसमें सटना मत, लाइट हो सकता है, इसमें करंट हो सकता है। अभी भी ये तार इसी तरह खुला मौजूद है, देखिए आप लोग अपनी सेफ्टी रखें, जरा टच मत कीजिए, नहर तक फैला है, अपनी जान को थोड़ा सा बचा कर रखे, सेफ रहे, थोड़ा इस तार से ऊपर तार है, दूर रहे जी। कैमरा पर्सन पूरा दिखा रहे हैं और ये जो तार जितना भी मौजूद है ये सारा जो है बहुत ही इस साइड से आ जाइए, थोड़ा ये देखिए खतरे वाली काम, खतरे का जो है ये हाल है। अब ये देख रहे हैं आप जितना ये तार पूरा फैला हुआ है, अभी तक इसमें करंट बोल रहे हैं ये लोग, यहाँ पर करंट है तो यहाँ जाना अभी सेफ नहीं है हमारे लिए भी। तो मैं बोलूँगी कैमरा पर्सन को कि कैमरा पर्सन पीछे आ जाए और लोगों से ही हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर और होता क्या था, क्योंकि और ये इसके पीछे जो है ये किसको दोषी ठहराते हैं। बहुत ही खतरे वाली बात है कि तार जो है इस तरह फैले हुए हैं, पूरे तार जो है ऐसी बिछी हुई है और गीला है वो पूरा रोड, मिट्टी जो है पूरी गीली हुई है जिसके अंदर बीचों बीच हम नहीं चल सकते ग्रीन के ऊपर। अच्छा, और यहाँ के लोकल लोग जो है वो सामने आए थे, लोकल लोग है क्या मौका वारदात पर आप मौजूद थे? था। क्या हुआ था शुरू से आखिरी तक अभी तक का बताएं? आखिरी तक तो मैं घर चला गया था बेटा जी, शुरू का मकसद मैं बताऊं। कितने बजे का वाक्य है ये? 3 बजे। 3 बजे? अच्छा, आप यही रहते हैं, लोकल है यही के? नहीं, मैं लोकल ही रहता हूँ। अच्छा, तो मैं दुकान है वहाँ। अच्छा, दुकान चलाते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ क्या था शुरू से बताएं? शुरू से मैं देखा बेचारा जीना लगा के चढ़ा जी, उसने रस्सी बांधा जी, ठीक है, रस्सी बांधा हुआ या लाइन उसने कटवाया या नहीं कटवाया ये मेरे को नहीं पता, बाकी आगे का दोस्ती हो या पीछे का दोस्ती हो हमको ये नहीं पता, ठीक है बेटा। लेकिन बेचारे को मैं देखा 2 झटका लगे, फिर भी लाइट भी कटी नहीं, कटी नहीं कटी। जब पीछे बार में मैं देखा तो बिजली पे बात कर रही है ना इस बारे में थोड़ी, कहीं ना कहीं बिजली विभाग में है कमी है, कमी है, कमी है, कमी है, पूरी कमी है, पूरी कमी है। वो बेचारा जल रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा वो जल रहा, सब लिखा रहे वीडियो, जिम्मेदार यहाँ पे जो है साफ साफ बिजली विभाग को ठहराया जा रहा है। मैं सराय में जाके बोलूंगा, मैं सराय में जाके बोलूंगा, उसी कमी है उसको चढ़ा दिया, लटका दिया, बार मार चला दिया। अब जो इंसान जला है उसका जिम्मा कौन लेगा, उसके परिवार का जिम्मा कौन लेगा? बता रहा हूँ, सुनो, जब उसके पीछे से जो आग लगा ना उसका पूरा स्टमक लग रहा था, मेरा पूरा नशा उतर गया, मैं दारू पी कभी मैं सही बोलूंगा से आग निकल रही है, क्या कर लोग जो है वो बेबस ही रह जाएंगे जब इस तरीके से अपना बिजली विभाग जो है नहीं 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 हो जाएगा, क्या करेंगे आखिर? तो सरकार भी
कहीं ना कहीं उसकी कमी है। आखिर जिम्मा कौन उठाए उसके परिवार का, बहुत कमी है जी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम जावेद है। मतलब देखना चाहे तो यहाँ पे जितने भी अपने सरकारी कर्मचारी है ये सब जो है मतलब की लापरवाही है, लापरवाही वगैरह है, लापरवाही है, जिसके वजह से आप हमारे जो भाई है वो शहीद हो चुके हैं यहाँ पे। मतलब की इतने देर से यहाँ पे चल रहे हुए थे, लेकिन कोई भी डेढ़ दो घंटे बाद आई है, चाहे उनको बचा लिया जाए। डेढ़ से दो घंटे तक यह बंदा लटकता रह गया, लेकिन कोई भी ये नहीं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आके उसको उतारे यहाँ पे या कुछ भी अपना अपना कार्रवाई करे, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे लटकता रह गया बंदा, एक कोई मतलब वो आज भी जो है झुलसता रहा। कितनी देर तक वो झुलसती रही उनके जो डेढ़ से दो घंटे तक झुलसती रही है उसकी, उनके डेढ़ से दो घंटे तक उसका शरीर जो है वो जलता रहा, जो अपना काम पे था, ऑन ड्यूटी था, लेकिन सरकारी विभाग से कोई ना गाड़ी आई ना उनको कोई भी मदद मिली कहीं से भी। तो उसका जिम्मा आखिर लेगा कौन, अब उसके परिवार का जिम्मा कौन लेगा। आज जो पुलिस वाले भी आए थे वो देख के सीधा ऐसे भागते हुए चले गए। फिर उसके बाद में हमने बोले भी थे भाई साहब आज देखो इनके अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो कह रहे अभी हमारी तरफ से है ना, अभी आगे से है ना ऊपर से कोई भी अभी वो नहीं हुआ है कि कोई रिस्पॉन्स, मतलब कुछ भी नहीं आया कि हम इसे उतारे नीचे, अपना यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करे और सीधे वो निकल गया। तो इसमें बिजली विभाग की कमी, पूरी जिम्मेदारी नहीं बिजली विभाग की, पूरी 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 कमी है। यहाँ पे कोई एक आदमी नहीं आया, यहाँ एक आदमी कोई नहीं आया, वहाँ से पुलिस वाले भी आए कर हमारा ऊपर से दो मिनट में निकल रहे हैं यहाँ पे सीधे को निकल गए। यानी कि पूरी के मतलब सरकार के जो भी है बिजली विभाग के जितने भी बंदे हैं सबकी कमजोरी की वजह से ठेकेदारों का काम चल रहा है, ये उनको सोचना चाहिए जो हम काम करवा रहे हैं इसमें क्या है। ठेकेदारों का काम हाँ ये ठेकेदारी कर रही है मैम, आप सामने देख रही हैं ये रोड बन रहा है, ठेकेदारी कर रही है, ये क्या है ये सिस्टम बिजली विभाग को है। मैं 101% कह रहा हूँ, मतलब मैं गाड़ी से अभी निकल के आया हूँ, मैं देख रहा था यहाँ पे गाड़ी मैंने वो रोक ली है, ठीक है मैं देख रहा हूँ जो बंदे के साथ हो रहा है। 101% बिजली वालों का जो है मतलब बिजली वाले इसके दोषी हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर वो बंदा ऊपर खंभे पे चढ़ा रहे हैं तो बिजली वाले बोल रहे हैं ना अभी ऊपर चढ़ो लाइट काटनी है या कोई काम करना है, बिल्कुल भाई हाँ भाई उसमें ये तो नहीं है। वो बंदा ऐसे शौक से चढ़ रहा है ना ऊपर, किसी माँ बाप का एक बेटा गया है किसी एक उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा, मतलब उनके क्या उनको अभी पता चला होगा आधे घंटे से। यहाँ पे तो हासा माहौल चल रहा है ना, एक बंदा अपने दिल की फीलिंग सोचो आप अपने की सोचो, डेढ़ दो घंटे से वो आदमी मतलब वो आदमी के साथ कितना बुरा हुआ है, कोई मदद नहीं मिलेगी। मतलब एक वो है एक जो बिजली मुलाजम का यहाँ पे आना तो फर्ज है ना, यहाँ पे इतना बड़ा फरीदाबाद है यहाँ पे बिजली मुलाजम नहीं है, SDO है, JEE है या कुछ भी है, उनको आना चाहिए यहाँ पे देखना चाहिए मौका देके। आप लोग तब से यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ, मेरे को कम से कम हो गया, कितने मेरे को एक घंटा हो गया होगा यहाँ पे बिजली विभाग का क्या इंक्वायरी हुई है, क्या इंक्वायरी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कोई किसी से बात हुई नहीं है या रेडी वाले हैं यहाँ पे सरकारी विभाग से या बिजली दफ्तर से कितने लोग आ गए, कोई नहीं आया। 50 आगे होंगे या 100 आगे होंगे मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन ये मैं मजाक से कह रहा हूँ। मौके वारदात पे कोई नहीं आया, मौके वारदात पे कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ मौके वारदात पे, ये दुकानें हैं पीछे रेडी हैं वो अंकल बोल रहे हैं। ये सारे लोग जो है ये आसपास के लोग ही है, लेकिन जो बिजली विभाग से ना सरकारी दफ्तर से कोई भी ऑफर जो है अब तक मौजूद नहीं, बहुत ही शर्मनाक बात है। ये इस जगह जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ की के जो आदमी है ऑन ड्यूटी था इस तरह उनकी जान चली जाती है, आखिर उसका जिम्मा लेगा कौन, कौन लेगा, सरकार लेगी, कौन लेगा, हाँ सरकार लेगी और कौन लेगा, या बिजली मुलाजम आए यहाँ भी वो बोले कौन लेगा, ये भाई से पूछो कौन लेगा, भाई बताओ सरकार लेगा, हाँ कौन लेगा उनका जिम्मा, सरकार उसके परिवार का, किसी का वो बेटा होगा, किसी का वो बाप होगा, किसी का भाई बाप का भाई था, मौजूदा वर्तमान सरकार को दिल पे क्या बीत रहा होगा पता नहीं, सरकार को उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा तो कुछ नहीं होगा, इसके बस पूरी जिम्मेदारी ली ये गलत घटना जो यहाँ घट चुकी है। तो आगे देखते हैं कि होता क्या है, कितने यहाँ पर जो है बिजली विभाग से लोग आते हैं और कितने जो है सरकारी कर्मचारी जो है दफ्तरों से लोग उठ के आते हैं देखने के लिए कि जो एक ऐसे इंसान ऑन ड्यूटी अपनी जान गंवा देता है। ये हमारे साथ अभी एक शख्स मौजूद है, ये मौके पर मौजूद थे, मौके वारदात पर मौजूद थे, जो कि हम कह सकते हैं अभी हमें बताएंगे कि अपना नाम बताओ पहले। राकेश जी मौके पर मौजूद थे, किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ, किस तरह वो जो शख्स था जो काम कर रहा था अपना काम कर रहा था वो किस तरह अपनी उसकी जान चली गई। मैम वो जो बंदा काम कर रहा था पूरी सेफ्टी के हिसाब से काम कर रहा था, सेफ्टी बेल्ट था उसके पास, हर एक मौजूद था सेफ्टी का,
लेकिन ये जो इसमें ये जो घटना हुई है ये पूरी सरकार की गलती है, इसमें बिजली विभाग की गलती है, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है तो जब तक लाइन काटते हैं जिस नंबर से काटते हैं जहाँ तक के हमें मालूम है उसी नंबर से फिर लाइन चालू होती है, लेकिन अचानक लाइट आ जाने के कारण आदमी की एट ए टाइम वहाँ पे मौत हो गई, आदमी डेढ़ घंटे तक जलता रहा। कितने बजे की बात है ये, बात हमें बताएं कितने बजे की बात है? अभी से डेढ़ घंटे पहले की बात है, दो घंटे हो गए, अभी साढ़े तीन की बात है, साढ़े तीन के आसपास में जो हुआ है ये अभी शाम की ही बात है, साढ़े तीन बजे का ये टाइम हमें बता रहे हैं कि अभी का ही जो वाक्य है ये अभी का ही है, जो ताज़ा ताज़ा आपको जो चीज़ें भी यहाँ दिखी है, अवतार भी हमने दिखाया आपको, वायर पूरी अभी तक उसी हालत में पिछी हुई है रोड पर, और लोगों ने सबसे ज्यादा है बिजली विभाग की, सबसे पूरी 110% कमी है बिजली विभाग वालों की, उसके बाद है ठेकेदार की कमी है। जब आपने उस नंबर से लाइन कटवाई है उसी नंबर से पोल करी हो गई जब ही तो चालू हुई है, दूसरे नंबर एक चैन होती है चैन फेंक दी जाती है तो लाइन आएगी तो झटका से लाइन कट जाएगी, ना चैन गिरी हुई है ना ठेकेदार ने कोई नंबर ना कोई सुर्खी करते हैं, मनमाजी रहती है, जब मरती है लाइन चालू कर दी जब मरती है काट दी। अच्छा, ये बिजली विभाग का पूरा जो है दोषी ठहरा रहे बिजली विभाग को पूरा साफ साफ। आइए हम और भी लोगों से जानते हैं कि किसको वो दोषी ठहरा रहे हैं। जी अपना नाम बताएं। अनु जी, क्या हुआ था यहाँ का सुबह का आपको मालूम है? हम लोग यही खोखा वाले बैठे थे जी, हम लोग लाइन जोड़ रहे थे, तार को चेंज कर रहे थे। यही आपकी दुकान है? हाँ यही खोखा है। अच्छा, यही दुकान है। आपको सुबह का मालूम होगा कि किस तरह एक्सीडेंट हुआ, वो आदमी किस तरह अपनी जान लेके उसमें काम पे था, वो अपने काम पे था, उसमें लाइट जोड़ रहा था और लाइट जोड़ते हुए यहाँ पर उसका लाइट मार दिया था। अच्छा, सुबह से तो कटा हुआ था, बाद में जब ये होंगे। किसकी कमी है ये, किसको आप दोषी ठहराती हैं? बिजली वाले की ही दोषी है, किसको ठहराया है? बिजली विभाग को दोषी ठहराती है क्योंकि लाइट कटा हुआ, पता है उन लोगों को काम चल रहा है तो लाइट चलनी चाहिए जी, तो चल बेचारा परिवार। एक ही इंसान कमाने वाला और वो भी इस तरह अपनी जान गंवा दे, ऑन ड्यूटी जो है उनकी जान चली गई। आज जो ये लोग इकट्ठे हो रखे हैं यही देखने के लिए कितनी कमी है बिजली विभाग की यहाँ पर, इस एरिया में थोड़ा काम करना पड़ेगा बिजली विभाग को, देख कर तो यही लगता है। अपना नाम बताएं। शिव कुमार। शिव कुमार जी, आप मुझे ये बताएं कि जो शव था उनका बॉडी जो थी वो कितने टाइम तक वहाँ पर झूलती रही? कम से कम 35 मिनट। 35 मिनट। कितने बजे वो हुआ था? 3:20 करंट। 3:20 में करंट लगता है और वो जो बॉडी जो है कितने टाइम तक बताओ? कम से कम 35 मिनट तक लटकी रही उसी। 35 मिनट तक वो लटकी रही, तो फिर कैसे वो निकाली गई उनकी? बुलाए थे फिर लोगों ने गाड़ी उतारने वाली, किरान से उतारे हैं दो बंदे, हाँ किरण से उतारे हैं, दो बंदे चढ़े थे उनको मतलब बांधने के लिए, फिर बांध के फिर उससे उतारे थे उन लोगों ने, फिर बॉडी को पैक किया और लेके गए। बिजली विभाग से ही आए थे? हाँ जी, यही। अच्छा। भी आए थे। तो इतने टाइम तक जो है वो पूरा लटकी रही उनकी बॉडी, और जो है 30-35 मिनट तक वो जो है उसके बाद में जो क्रेन आती है और वो बॉडी को लेके चले जाती है चुपचाप। आपने पूरा देखा था, मौके वारदात पर आप मौजूद थे? हाँ जी, यहीं पे थे। अच्छा ठीक है, तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कमी है प्रशासन की, कितनी कमी है बिजली विभाग की, जो कि आधे से ज़्यादा घंटे तक वो जो है बॉडी उस इंसान की, उस शख्स की चली रही और वो लटकी रही तारों के बीच में। मैं यहाँ और लोगों से भी थोड़ा पूछ लेती हूँ कि अपना नाम बताओ प्लीज़। हमें बताएं कि आप कैसे एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे? एक्सीडेंट ऑलमोस्ट ये 3:40 हुआ, जो बंदा यहाँ काम कर रहा था अचानक से लाइट आने के थ्रू ये एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, अचानक? तो अचानक से ये हो गया काम, ये बिजली विभाग का जो है हम लापरवाही माने? ये तो कह नहीं सकता कि बिजली विभाग की लापरवाही है या किसकी लापरवाही। अच्छा, वो उतरा कैसे वो इंसान, वो मैं ये जानना चाहूँगा। वो क्रेन से उतारा गया, बांध के उतारा गया उसे। कितने घंटे जो है वो लटका रहा? ऑलमोस्ट मैम 40 मिनट। यार जो लोगों से हमने और भी बातचीत की है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, लोग कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक वो जो है बॉडी ऐसे ही झूलती रही तारों के बीच में।
लेकिन मेरे हिसाब से चालीस।